प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी को और भारतीय शेर मेजर गौरव आर्य को। आरजू काजमी इसमें काफी बेहतरीन और मजेदार सवाल पूछेंगी जिसका गौरव आर्य अपने अंदाज में जवाब देंगे। तो इस वीडियो में आपको काफी मजा तो आएगा पर काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि क्या करना है, तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्य ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं, थैंक यू सो मच। और सर सबसे पहले, वैसे तो बहुत सारी न्यूज हैं आज आपसे डिस्कस करने के लिए, लेकिन अगर हम पाकिस्तान से शुरू करें तो आज क्योंकि जो हमारे यहाँ के एक हैं, यानी कि जो TTP वगैरह के साथ भी बात करते हैं और दूसरी जगह भी उनका काफी आना जाना है, बैरिस्टर सैफ, उनका कहना है कि जी बिल्कुल जो स्वात का इलाका है और कई दूसरे इलाके जो हैं वहां पर TTP वाले मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है और उन्होंने यही कहा है कि वो किसी एरिया पर भी कब्जा नहीं कर रहे हैं लेकिन अटैक कर रहे हैं। आपके ख्याल से ये सब क्या हो रहा है और क्या हम दोबारा से जो कुछ साल पहले स्वात की एक कंडीशन थी कि जिसमें बहुत से लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आ गए थे अपना एरिया छोड़कर, आपको लगता है कि दोबारा वही कुछ होने जा रहा है? शायद 2010 की या 9 की बात है, इस तरह की सिचुएशन बनी थी। देखिए, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसी जो आउटफिट्स होती हैं, जो तंजीमें होती हैं आरजू जी, वो क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ। ये पानी के जैसे होते हैं, इनका कोई फिक्स्ड मामला तो रहता नहीं है। आप उनको ये नहीं कह सकते वो जमीन घेरेंगे, जिस दिन उनको लगेगा कि उनकी इतनी ताकत है वो जमीन भी घेर लेंगे। आज वो सिर्फ लोगों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, तो दे डोंट लुक, जैसे कि हम लोग मॉडर्न लोग हैं या हम लोग एक मॉडर्न तरबियत हासिल करे हुए, मॉडर्न इल्म हासिल करे हुए हम लोग हैं, तो हम लोग विक्ट्री और डिफीट को, यानी कि जीत और हार को, फतेह को या हार को, हम लोग एक एक हमारा नजरिया है उसको देखने का, जो समय है, समय कैसे बीतता है उसको देखने का हमारा नजरिया है। लेकिन ये जो तालिबान वाले हैं, चाहे अफगान तालिबान हो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, इनकी लड़ाई इस तरीके की है नहीं। ये कह रहे हैं मैं नहीं तो मेरा बेटा नहीं तो उसके बेटे का बेटा कभी ना कभी तो होगा। सो इसीलिए इनसे रशियंस भी परेशान थे, इनसे अमेरिकन भी परेशान थे, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स एंड माइन। हम जो, और आप या आपका मुल्क या कोई और मुल्क या भारत या चीन अमेरिका, जिसको हम जीत और हार समझते हैं, उनको ये पश्तून जो है खासतौर से, ये उस तरीके से जीत और हार इसको नहीं समझते हैं। तो ये कहना कि आज उन्होंने एरिया में कब्जा नहीं करा है पर लेकिन वहां पे इन्फ्लुएंस है, तो इन्फ्लुएंस है, वो अपनी कचहरियां वहां पे चला रहे हैं, वहां पे लोगों से हफ्ता कलेक्ट कर रहे हैं, सरकारी इदारे उनको हफ्ता दे रहे हैं, सरकारी इदारे उनको पैसा दे रहे हैं जिंदा रहने के लिए। वहां पे कई ऐसी जगह हैं जहां पे फौज नहीं जाती, आपकी पुलिस तो खैर बिल्कुल भी नहीं जाती, तो ये एक किस्म का कंट्रोल ही है आरजू जी। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि कंट्रोल का सिर्फ ये मतलब है कि वहां से वो लोग उनकी मतलब प्रॉपर उनकी सरकार नहीं चलती, तो अभी ठीक है उनकी सरकार नहीं चलती, लेकिन वो तो वही चाहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले कि उनका एक आईन हो, कुरान शरीफ को अपना आईन बोलते हैं, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो करेंगे जब करेंगे। मेजर साहब, एक चीज जो बहुत टाइम के बाद कहीं से, यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ही कह लें कि मानी गई है, वो ये कि वहां पर लोग मौजूद हैं और उनके पास हथियार भी हैं। ये भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी बैरिस्टर सैफ की, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल से जो है हर चीज का बताया, कई लोगों के नाम बताए जो उनके ग्रुप के हैं, यानी TTP वालों के, और ये भी बताया कि दो ग्रुप्स हैं जिसमें से एक जो है वो बातचीत पे तैयार है, दूसरा कहता है हम बातचीत नहीं करेंगे। उसमें भी उन्होंने कई डिटेल्स और नाम दिए उन लोगों के, और ये भी मान लिया कि हाँ हथियार भी हैं उनके पास और वो पैसा भी ले रहे हैं। तो ये एक चेंज या एक बदलाव आपको क्यों लग रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट, क्या आप समझ रही है कि हैंडल नहीं हो रहा इसलिए मान गए सब कुछ? देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये अफगान तालिबान के साथ हैं, उनके अंडर में हैं, और अफगान तालिबान के जो अमीर हैं अखुनज़ादा, आई थिंक उनका नाम है, ऐसी कुछ नाम है, तो उनको अपना ये लीडर मानते हैं, अपना कायद मानते हैं। तो आरजू जी, दो उन्होंने दल बना लिया, यानी कि दो पार्टीज उन्होंने बना ली तहरीक तालिबान पाकिस्तान में। इसको अंग्रेजी में गुड कॉप और बैड कॉप कहते हैं। एक है जो लड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, हफ्ता लेते हैं, फौज पे हमला करते हैं, इनोसेंट पाकिस्तानी पे हमला करते हैं।
और दूसरे एयर के नया मुजाकरात करेंगे। तो बेसिकली क्या है, जो नेगोशिएशन होंगे ना, अच्छा है दोनों तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तो कोई ये गलती ना करे पाकिस्तान में समझने के लिए कि दोनों अलग हैं। ये एक सांप के दो चेहरे हैं, ये सांप वही है, उसका उसका जो धड़ है वो वही है, उसके मुंह दो हैं सांप के, एक काटेगा एक पुचकारेगा, एक काटेगा एक पुचकारेगा। यही तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है अर्जुन जी, व्हाई इज इट डूइंग दैट? इट इज डूइंग दैट फॉर द सिंपल रीजन दैट व्हेन दे कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, जब ये नेगोशिएटिंग टेबल पे आते हैं और नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं अर्जुन जी, उस वक्त दे शुड हैव द अपर हैंड, नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। तो नेगोशिएशन वाला भी कोई चाहिए, तो ये कहने नहीं, हमें बात करनी है पाकिस्तान से। अब बात करेंगे, जिसका पल्ला भारी होगा उस वक्त, जिसका भी पलड़ा भारी होगा उस वक्त, उसकी बात नेगोशिएटिंग टेबल पर रह जाएगी। तो दूसरी जो तालिबान है, जो लड़ रही है, जो कह रही है हम बात नहीं करेंगे, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूं, तो लोग कहते हैं साहब मेजर साहब आपने क्या वियर्ड सा एग्जाम्पल दिया है, बड़ा अजीब व गरीब। पर जैसे कि जब गोश्त में पपीता लगाते हैं ना उसको गलाने के लिए, तो ये दूसरा तालिबान वही काम कर रहा है, ये पपीता लगा रहा है धीरे धीरे। सही, ये बदमाश है अर्जुन जी, इनपे ये भरोसे के लायक नहीं है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये मामला या तो इस तरफ होगा या उस तरफ होगा, ये बीच वाले में सलटने वाला मामला नहीं है। खैर इतनी आसानी से तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की साइड से भी कोई इतनी कमजोरी दिखाई जाएगी। यकीनन कोशिश तो पूरी होगी कि इनको कंट्रोल किया जाए, ये जो तरीका है इनको मार देने का वो वही किया जाए। मगर साथ साथ अगर हम देखें कि अभी रिसेंटली जनरल बाजवा का अमेरिका का विजिट था, उस पर काफी बातें की गई और ये भी कहा गया कि क्योंकि अमेरिका ही डिसाइड करता है, वैसे ये भी बहुत से पाकिस्तानियों को समझ आ गया है कि हमारा आर्मी चीफ तक जो है वो अमेरिका ही बताता है कि जी किसको लगा देंगे। और बात है कि अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमेशा से हमने यही देखा है कि जो गवर्नमेंट भी किसी आर्मी चीफ को लाती है, चाहे वो भुट्टो साहब हों या आगे अगर हम देख लें नवाज शरीफ जो है वो लाए इमरान खान, तो वो आर्मी चीफ उनके ऊपर हावी हो गया और वो गवर्नमेंट गई, चाहे वो भुट्टो की देखे जावलक और सबको हिस्ट्री में अगर देख लें। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी फिर बाजवा साहब जो अमेरिका गए थे और वहां से बातचीत करके आए हैं, तो नया आर्मी चीफ अपॉइंट करने की बात की गई थी या आपके ख्याल से एक्सटेंशन लेने की बात की गई, और साथ साथ कि इमरान खान का अब क्या होगा? ये जो बार बार ऑडियो लीक्स आ रही है, इससे फर्क क्या पड़ता है गवर्नमेंट को? देखिये, हर एक एजिटेशन का एक लाइफ साइकिल होती है, कोई भी एजिटेशन अनएंडिंग नहीं चलता। जब तक आपके चुनाव होंगे, अगले साल इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में, तो तकरीबन इमरान खान की सरकार को गए 1.5 साल हो चुके होंगे, 1.5 years, लगभग 1.25 साल से लेकर 1.5 साल इमरान खान की सरकार को आरजू जी जिसको कहते हैं कि गए हुए हो चुके होंगे। तो उसमें इशू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि एक तो जब सरकार में आप नहीं रहते तो फंड्स की प्रॉब्लम होती है, कि जलसे करना, यू नो, लॉन्ग मार्च की धमकी देना, एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी आरजू जी, तो फ्री में तो कुछ नहीं होता। पहली चीज ये, जनरल बाजवा साहब गए अमेरिका, अमेरिका बताने के लिए कि साहब ये आर्मी चीफ बनने वाला है जो दूसरा आर्मी चीफ है। आई डोंट थिंक जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेंगे, आई थिंक जनरल बाजवा विल लीव, और जनरल बाजवा के जाने के बाद ये दूसरा जो आर्मी चीफ आएगा, जहां तक मैं सुन रहा हूँ, सीनियोरिटी के प्रिंसिपल पे आएगा। और ये जो इमरान खान कहते हैं ना कि इम्पोर्टेड हुकूमत, यानी कि तो आर्मी चीफ भी तो इम्पोर्टेड रहे हैं पाकिस्तान के। आर्मी चीफ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से बड़ा है, प्रेसिडेंट से बड़ा है। सो जब आपका जो टॉप बंदा है पूरे पाकिस्तान में, और ये जनरल हमीद गुल का कहना था, जनरल हमीद गुल का एक स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ हर समय अमेरिका ने अपॉइंट करा है, तो तब भी करता था, आज भी करता है। और वो देखिए ना, उनको प्राइम मिनिस्टर्स कंट्रोल करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये जो तीनों हैं, नवाज शरीफ, इमरान खान और पहले जुल्फिकार अली भुट्टो, ये तीनों फौज की पैदाइश हैं, और इनको गड्ढे में डालने वाले भी फौजी हैं, क्योंकि भूल गए थे ना, अपनी हद से बाहर चले गए थे ये लोग, अपनी औकात से बाहर जाके इन्होंने उसी इदारे को ललकारा जिस इदारे ने इनको बनाया था। तो यही चीज है जी, बस ये कुछ नहीं है, ये गए वहां पे एक हफ्ता बिताया उन्होंने, अमेरिकन को सेट वेट करा कि ये भाई साहब अब आर्मी चीफ बनने वाले हैं, अब आपको इनसे डील करना है, हाथ वाथ मिलाया, चाय वाय पी, वापस आ गए, वही होने वाला है वहां पे।
और ये जो ऑडियो लीक्स पे ऑडियो लीक्स आ रही हैं, अभी आज भी एक न्यूज आ रही थी कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, आज उनकी एक और ऑडियो लीक आ गई है, उससे पहले इमरान खान की आ रही थी और दूसरों की। इससे क्या आपको लगता है कोई फर्क पड़ता है, कोई पब्लिक को कोई फर्क पड़ने वाला है या गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है, और ये कर कौन रहा होगा? मुझे तो ये हैकर भाईजान कर रहे हैं, आप हैकर भाईजान डाल रहे हैं अपना और ट्विटर वटर पर हर जगह सोशल मीडिया पर, वही तो हैकर भाईजान के नाम से ही है उनका, तो वो कर रहे हैं। बट आरजू ये पता है क्या है इशू, क्या है इशू? सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान में अभी भी 3 से लेकर 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, और मुझे इस चीज का बहुत सरप्राइज है, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा ताज्जुब है कि एक कौम जिसमें कि आप लगा लीजिए कि 20% लोग तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा, 20% लोग भूखे रात को सो रहे हैं और एक नेचुरल कैलामिटी की वजह से, है ना, वो ऑडियो लीक्स के बारे में मुझे नहीं, अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं? ये मतलब एक तो देखिए ये अपनी खुद की भी जिम्मेदारी होती है ना कि आपके ऊपर इतना बड़ा मसला है। नॉर्मली भुखमरी होती है, ऐसी बात नहीं है कि भारत में भी बहुत भुखमरी है, भारत में भी बहुत गरीब लोग हैं जो हो सकता है 2 वक्त की रोटी जिनको ना नसीब हो, लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी प्रोग्रेस करी है इस मामले में। लॉट ऑफ मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड दिस इज गोइंग ऑन एट अ वेरी रैपिड स्पीड। वो अलग चीज है, वो एक इकोनॉमी और एक पॉलिसी वाला मामला है, उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतना ऑब्सेशन है पाकिस्तान में लोगों को, अरे ये ऑडियो लीक है। अब ऑडियो लीक का ही डिस्कशन हो रहा है पाकिस्तान में, और वो जो 4 करोड़ लोग हैं जिनके घर चले गए, जिनके बच्चे माँ बाप बह गए, जिनका पता नहीं क्या क्या हो गया उनका, मतलब वो जिंदगी में पता नहीं अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, उनके बारे में कोई बात नहीं करता आजकल। मैं पाकिस्तानी न्यूज देखता हूँ बहुत कम, उस पर कोई मेंशन आ गया तो आ गया, वरना 70% इमरान खान ने ये बयान दिया, शहबाज शरीफ ने ये, सब एक दूसरे को अरेस्ट कर रहे हैं, कोई कह रहा है राणा सनाउल्ला को अरेस्ट कर लो, तो पंजाब पुलिस आती है राणा सनाउल्ला को अरेस्ट करने के लिए, इस्लामाबाद की पुलिस जाती है इमरान खान को, और एक ही एक दूसरे को अरेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे केसेस कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं इंडिया आगे क्यों निकल गया। मुझे तो इस चीज का लॉजिक समझ में नहीं आता, बट मुझे थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है कि 3-4 करोड़ लोग ऐसे बहुत बुरे हाल में हैं और इनको ऑडियो लीक्स की पड़ी, और खुश हैं उसी में, एंटरटेनमेंट है। वो रोम के बारे में कहते थे ना कि रोम में क्या था कि जब हालात बहुत बुरे थे तो वो ग्लैडिएटर वाले जो गेम्स थे ना, जिसमें शेर भालू चीते कुत्ते वो सब आपस में वो लड़ाते थे उनके, और बंदे भी लड़ते थे तलवार लेके ना, लोगों को शो प्रोवाइड करने के लिए, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, तो वही एंटरटेनमेंट चल रही है यहाँ पे पाकिस्तान में, इट्स ऑल एंटरटेनमेंट फॉर द मासेस। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि वाकई में फ्लड वालों के लिए बहुत कम बात हो रही है, कहीं कहीं कर लेते हैं दिन में 2-4 बार, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर हों चाहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों, जहां पर भी जाते हैं किसी भी कंट्री में जाते हैं वहां जाके कश्मीर की बात करते हैं। ये बात आपसे मेरी पहले भी कई बार हुई है कि हर जगह जाके कश्मीर करते हैं, लेकिन अभी अचानक आपके प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कह दिया कि जी हमने तो कश्मीर का मसला हल कर दिया, खुद ही हमने सॉल्व कर लिया, उसके ऊपर एक हंगामा पाकिस्तान में कि ये कैसे हो गया, अपने आप कैसे हल हो गया, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, हल तो कर ही दिया उन्होंने, टेररिज्म थी, अब वहां पे ना के बराबर है, सिर्फ थोड़ी बहुत वंस इन अ वाइल्ड टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, जो टेररिज्म थी, हुर्रियत खत्म हो गई, ठीक है। दूसरी चीज वहां पे जो जमातुल इस्लामी का जो इम्पैक्ट था वो खत्म हो गया, जो पुरानी पॉलिटिकल लीडरशिप थी वहां पे, जिसने पूरा का गंद डाल रखा था अपने पूरे सिस्टम के अंदर, वो पुरानी लीडरशिप खत्म हो गई। तो अरविंद जी क्या है, मतलब इसमें बचा क्या है? बस वही बचा है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, बस ये बचा है, बाकी तो मुद्दा सब मोदी जी ने सेट करी दिया 370-375 से हटा के, है क्या वहां पे तरक्की हो रही है? क्लेम कर सकते हैं, अकेले क्लेम कर सकते हैं बगैर पाकिस्तान को इन्वॉल्व किए? आपके ख्याल से ये इशू ऐसे सॉल्व हो जाएगा कि मोदी जी कह देंगे हो गया तो हो गया? हाँ, कर तो दिया, क्या मतलब गलत क्या? आप बताइए मुझे, मैं यहाँ पे हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए, पूछिए उनको। देखिए मैं बात बताऊँ आपको, वो पाकिस्तान को, आप कह रहे हैं पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की बात कर रही हैं इसमें, इन्वॉल्व तो दूर की बात है, वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे, वो इन्वॉल्व क्या करना है उन्होंने, वो नाम तक नहीं लेते, वो तो कहते हैं बगल वाला मुल्क। तो सर पाकिस्तान का तो ये क्लेम है ना कि कश्मीर हमारा है, तो आप एक कंट्री जो ये क्लेम कर रही है, अब सही या गलत वो उस बहस में मैं नहीं जा रही, लेकिन जो ये क्लेम कर रहे हैं सालों से, उनको अचानक से आप कहेंगे कि बस ठीक है छुट्टी करो? नहीं, देखिए बात ये है कि जो 4-5 मसले थे कश्मीर के, उसमें से 70-80% तो सॉल्व कर दिए हैं। अब बात ये है जो टेरिटरी की, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखी है पीओके गिलगित बाल्टिस्तान, उसका है, उसका भी मैटर सॉल्व होगा,
वो ऑलरेडी हमारे पार्लियामेंट में है वो चीज, तो उसका भी मैटर सॉल्व होगा, बाकी सब सॉल्व कर दिया है। जहां तक कश्मीर की प्रॉब्लम थी टेररिज्म की, काफी हद तक मैं कह रहा हूँ 90-95% वो कम हो गई है। वो दिन चले गए जब कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलते थे हजार हजार लोगों के, वो चीज वो दिन चले गए अर्जुन जी, वो लुटपिट गए वो दिन, बहुत पुराने, पत्थरबाजी बंद हो गई, जमातुल इस्लामी का सड़क पे आना और लोगों को भड़काना वो बंद हो गया, हुरियत का कैलेंडर निकालना बंद हो गया। अब क्या करते हैं ये टेररिस्ट लोग, कोई कोई कश्मीरी पंडित है उसकी पीठ पे गोली मार दी भाग गए। एक लेवल ऑफ वायलेंस है कश्मीर में, बट लेवल ऑफ वायलेंस बंगाल में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, राजस्थान में भी है, बॉम्बे में भी है, हर जगह है। भारत में इतना बड़ा मुल्क है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो वहां पे तीर मारा जा रहा है। कश्मीर में चीजें बिल्कुल सेट कर दी है मोदी जी ने, काफी हद तक सेट कर दी है। सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, पर कि दिल्ली में परफेक्ट है या फिर गोवा में परफेक्ट है या फिर कहीं कहीं और तीसरी स्टेट में परफेक्ट है, पर जैसे नॉर्मल चल रहा है वैसे चल रहा है। तो वो देखिए बात यह है ना कि मैं आपको बताता हूं, ये एक तरीका है सोचने का कश्मीर के बारे में। पाकिस्तान ने 75 साल से कश्मीर के ऊपर कुछ करा नहीं, सिर्फ एक बात बोली है, यूएन रेजोल्यूशन या फिर ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो कभी नहीं करा, और कुछ यही करा कि हम या तो यूएन रेजोल्यूशन का हर जगह बात करेंगे कि ये होना चाहिए या फिर हम आतंकवादी भारत के अंदर भेजेंगे, और क्या करा। मोदी जी ने जो करना था उन्होंने कर दिया, उन्होंने बोला कि यूनाइटेड नेशंस को बेसिकली ये भी थिंक है कि यूनाइटेड नेशंस यूजलेस है ना, दो कौड़ी का तो रहा नहीं यूनाइटेड नेशंस, करना क्या उसका, नहीं ऑन अ सीरियस नोट, हमें क्या चाहिए उससे और उसको हमसे क्या चाहिए यूनाइटेड नेशंस से, जब हमें चाहिए होगा तो हम देख लेंगे, हमें कुछ नहीं कर सकता यूएन वूएन पूरे दुनिया है, चाइना टाइना जितने भी हैं ये सब, यू कांट मूव इंडिया, आप हम अपनी जगह हैं और हमारी जो जायज चीज है, हमने कभी किसी दूसरे की जमीन पे नजर नहीं डाली अर्जुन जी, कि हम ये बोलेंगे जी हम बड़े तुर्रम खान हैं और हमें, हमने कभी लाहौर नहीं मांगा, हमने कभी इस्लामाबाद नहीं मांगा, हमने कराची नहीं मांगा, हमने कभी हक भी नहीं जताया इनका, किसी ऑफिशियल ने कुछ बात नहीं बोली, कभी कभी कुछ बात नहीं बोली इसके ऊपर, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। सोशल मीडिया पे कभी लोग बोलते हैं वो दैट द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट्स अ फ्री कंट्री, पीपल से वॉट एवर दे वॉन्ट, बट कश्मीर के अलावा और पीओके के अलावा और गिलगित बल्टिस्तान के अलावा तो कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। सो व्हाई शुड वी फील स्केर्ड, हम तो गलत नहीं बोल रहे ना।